फ्रेंड्स, आज मैं इस डस्ट पाउडर के बारे में डिटेल्स में बात करने वाली हूँ, शेयर करूंगी आप सभी के साथ। दोस्तों, आप अगर बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो या फिर आपके घर में बूढ़े हो या बच्चा, सभी इस डस्ट पाउडर को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक ट्राई नहीं की तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इसका बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, आपको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कितना मात्रा में यूज करना है, इसका डिटेल्स में बात करने वाली हूँ। इसके ऊपर एक पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप सभी ने बहुत ज्यादा कमेंट्स की कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा है वो वीडियो। आपको अगर बिलीव नहीं होता तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसकी कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये वो वीडियो जो मैं बनाया था वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है, बहुत सारा दोस्तों ने ऐसा बोला भी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, आप अगर कैंडिड डस्ट पाउडर के बारे में अभी तक नहीं जानते या फिर जानना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को आप एक बार वॉच कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाए, फिर भी मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी ये वीडियो एंड तक जरूर दिखे, क्योंकि आपको अब आज पता ही चल जाएगा इस डस्ट पाउडर को यूज करने का तरीका, सब कुछ डिटेल्स में एक एक करके मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और ज्यादा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलूंगी, एक कैंडिड ये जो डस्ट पाउडर है दोस्तों, ये आपको मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। आप अगर दोस्तों ड्राई स्किन हो, हाँ, सबसे पहले एक बात है, बहुत सारी दोस्तों ने मुझे कमेंट किया है कि ये कौन सा स्किन टाइप वालों में से यूज कर सकते हैं, ड्राई या फिर ऑयली नॉर्मल। तो मैं एक बात जरूर बोलूंगी दोस्तों, आप अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा ऑयली है, नॉर्मल स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है, हर स्किन टाइप वालों ये बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन में शूट करेगा ही करेगा दोस्तों, ये आपकी स्किन में बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा, उसके बारे में मैं बोलूंगी आगे चलकर। तो ये जो पाउडर है, सारी की सारी स्किन टाइप वालों इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि इसको टाइम क्या होता है, कि लगाना सही टाइम क्या होता है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बोला है, मैंने इसकी पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया कि नाइट के टाइम पे इसको अगर आप फेस में जरूर फेस में लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑयल से आप बचेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक्ने पिंपल्स हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा रैशेस वगैरह हो जाता है और भी बहुत सारा स्किन में प्रॉब्लम होता है। बॉयज हो या फिर गर्ल्स, दोनों के लिए ये पाउडर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप अगर ट्राई नहीं की तो जरूर ट्राई करके देख सकते हैं एक बार। तो मैं बोलूंगी दोस्तों, इसको लगाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत इजी होता है, कैसे लगाना है वो भी मैं बोलूंगी। तो मैं बोलूंगी दोस्तों, इसको लगाने का टाइम सबसे ज्यादा अच्छा है नाइट की टाइम पे। नाइट की टाइम पे आप जब सोने जाएंगे तो उसके पहले अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आपको बस थोड़ा सा ऐसे पाउडर लेना है, इसको ऐसे करके रफ करके बस अपनी फेस की ऊपर लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आप सोने जाना है तो देखेंगे कि ऑयलनेस बहुत ज्यादा कम हो रहा है या फिर आप देखेंगे कि एक्ने पिंपल या फिर रैशेस वगैरह बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है। आप खुद ही ट्राई करके आपको महसूस होगा, जरूर मैं होगा। ये बॉयज हो या गर्ल्स हो या बूढ़े हो या बच्चा, सभी ने इसको ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। फेस में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो फेस में जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं। तो कौन सा प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों, आपके फेस बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल हो जाता है या फिर रैशेस वगैरह हो जाता है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है दोस्तों, रैशेस वगैरह हो जाता है, कुछ भी शूट नहीं करता है आपकी स्किन में। तो दोस्तों, मैं आपको जरूर बोलूंगी नाइट के टाइम पे फेस वॉश करने के बाद आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। गर्ल्स हो या बॉयज दोनों ही यूज कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इसको नाइट में टाइम पे यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट भी देता है। हाँ दोस्तों, बहुत सारा दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया है डे की टाइम पे, यानी कि मॉर्निंग या फिर इवनिंग की टाइम पे या फिर गुड आफ्टरनून की टाइम पे ये यूज किया जाए तो डार्क स्पॉट या फिर स्पॉट वगैरह आएगा या नहीं, ऐसा कुछ कमेंट्स मुझे मिला है। तो मैं बोलूंगी दोस्तों, अपडेट डे की टाइम पे इसको यूज कर सकते हैं तो मैं जरूर बोलूंगी डे की टाइम पे अगर आप इसको यूज करते हैं तो घर में रहकर इसको यूज करें, बाहर में जाना नहीं, क्योंकि इसमें सन प्रोटेक्शन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
मैं हर एक वीडियो में बोलूंगी दोस्तों, सन प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन या फिर सन कॉम्पैक्ट लगा के आप बाहर जाइए। तो इसमें सन वाला कोई भी बात नहीं है, तो मैं बोलूंगी इसको लगा के बाहर मत जाइए। जब आप घर में रहे तो तब इसको ट्राई करना है। ये सिंपल है, इजी है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी है। आपको ये जरूर शूट भी करेगा, इसका फ्लेवर लाइट वेट है एकदम, बहुत ही अच्छा है, सभी को पसंद आएगा जरूर। और इसको मैं मानती हूँ नाइट के टाइम पे बेस्ट होगा, आप अगर ट्राई करें तो। डे के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं, तो घर में जब रहे तो तभी इसको ट्राई करें। उसके बाद मैं बोलूंगी दोस्तों, आप अगर फ्लेवर वाला कोई भी फ्लेवर वाला नाइट के टाइम पे या फिर खासकर के समर सीजन में बहुत सारे दोस्तों ने क्या करता है, पाउडर यूज कर सकते हैं, पाउडर यूज करते हैं। मैं भी पहले बहुत सारा पाउडर यूज करती हूँ, या पॉन्स पाउडर या फिर और भी बहुत सारा बोरोप्लास पाउडर, नवरत्न पाउडर या फिर और भी बहुत सारा पाउडर वगैरह आता है, तो वो मैं यूज करती थी। जब मैं ये कैंडिड पाउडर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी मेरे स्किन के लिए, क्योंकि मेरा स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली है और बहुत ज्यादा रैशेस वगैरह आ जाता है, पिंपल एक्ने वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि, और खास करके मेरा और एक बात है, एलर्जेटिक प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी ये कैंडिड पाउडर यूज करने के लिए। तब से मैं ये कैंडिड पाउडर यूज करती आ रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कैंडिड पाउडर यूज करना। तो मैं सभी के लिए, सभी को बोलूंगी दोस्तों, आप कैंडिड पाउडर अगर आप यूज नहीं की तो जरूर मैं बोलूंगी कैंडिड पाउडर यूज करने के लिए। बूढ़े हो या बच्चा, सभी ने इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्किन डिजीज, स्किन बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जरूर इस पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है दोस्तों, बिल्कुल सेफ है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट वाला बात नहीं है। हाँ दोस्तों, बच्चा अगर आप घर में रहे तो जरूर आप ध्यान रखे कि ये खा ना जाए, ध्यान रखें, यही साइड इफेक्ट है, इसके अलावा और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ है। आपको ये मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। इसका अगर प्राइस, का प्राइस है 125 रुपीज, और ये मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। ये 100 ग्राम का है, ये बड़ा वाला पैक है, 50 वाला एक पैक आता है और ये 100 वाला पैक आता है। तो मैं मानती हूँ कि 100 वाला पैक आप जब भी खरीदे तो 100 वाला ही पैक खरीदे, 100 वाला पैक खरीदेंगे तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा, बजट में कम होगा और फैमिली में सभी यूज भी कर सकते हैं, लंबी टाइम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं होगा। ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, ये जो कैंडिड डस्टिंग पाउडर है, ये आपको इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा। इसको ओपन करने के बाद इसका स्मेल जो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इसका स्मेल लाइट वेट स्मेल है और सच में इसको लगाने के बाद मुझे बिल्कुल ड्राइनेस फील होता है। मेरा जो स्किन है बहुत ज़्यादा ऑयलनेस है और नाइट के टाइम में मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। और जब बहुत ज़्यादा ऑयलनेस, बहुत ज़्यादा समर टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मियों की टाइम में मैं इसको यूज़ करती हूँ, हर वक्त यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों। हर वक्त स्किन में आप खास करके फेस में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हर वक्त आप अगर ये पाउडर यूज करेंगे, खास करके आप अगर यूज करते हैं ऑल डे, यानी कि एवरी डे अगर आप इसको यूज करते हैं, तो जरूर दोस्तों मैं बोलूंगी स्किन को अच्छे से वॉश भी करना जरूरी होता है, क्योंकि ये पोर्स के अंदर चला जाएगा तो पोर्स लॉक हो जाता है। तो मैं जरूर बोलूंगी आप इसको ट्राई करें, जरूर करें, लेकिन कम करें। जब बहुत ज्यादा गर्मियां हो, जब बहुत ज्यादा ऑयलनेस आपकी स्किन में भर जा रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह जम करके वो इचनिंग या फिर रैशेस वगैरह हो रहा है फेस में, तो तभी आप इसको यूज करें। तो दोस्तों इसका जो पाउडर है बहुत ही ज्यादा मी है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मुलायम है और बहुत ही ज्यादा मी है, तो इसको लगाना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। नोस की एरिया में, पूरी फेस में ऐसे करके, मैं ऐसे करके हथेली में लेती हूँ थोड़ा सा पाउडर और ऐसे करके पूरी फेस में लगा देती हूँ। तो दोस्तों देखने में तो बहुत ज्यादा खराब लगता है, तो आप चाहते हैं तो हल्के हाथों से या फिर ब्रश की मदद से आप इसको ऐसे करके अच्छे से फेस के ऊपर एक लेयर लगा दीजिए, जिस पार्ट में यानी कि नोज की एरिया में आपको अगर ऑयल ज्यादा से ज्यादा निकलता है, तो उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा आप पाउडर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, फेस पैक, फेस मास्क जरूर ट्राई करें,
फेस पैक, फेस मास्क कैसे यूज करना है, वो उसके बारे में एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। और भी किया है समर के टाइम में बेस्ट फेस पैक, फेस मास्क के ऊपर वीडियो बनाया, वो भी देख लीजिए। क्योंकि मैं यही बोल रही हूँ, बोलना चाहती हूँ दोस्तों, अच्छे से पोर्स को, आपकी जो ये जो पाउडर लगा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, पसीना हो रहा है, तो स्किन में ये धूल मिट्टी या पॉल्यूशन वगैरह, ऑयल वगैरह जम करके आपकी स्किन लॉक हो जाता है, यानी कि पोर्स लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या क्या प्रॉब्लम, यानी कि एक्ने वगैरह और कि इचिंग वगैरह और भी रैशेस वगैरह होता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, तो दोस्तों खास मैं बोलूंगी फेस पैक, फेस मास्क जरूर ट्राई करें। फेस वॉश दिन में 3-4 बार जरूर ट्राई करें समर टाइम में। कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, DIY तरीके से आप सभी यूज करें, कुछ भी नहीं होगा। आपकी स्किन में जो भी शूट करता है यूज करें। तो पाउडर है दोस्तों, हर टाइम यूज नहीं करना है, दिन में बस एक बार, जब आपके स्किन में बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑयल आ रहा है, बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्ने हो रहा है, बहुत ज्यादा से ज्यादा रैशेस वगैरह होता है, तो तभी यूज करें। जब देखते हैं कि समर टाइम में क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो तब यूज करें। ऑल टाइम इसको यूज मत करें दोस्तों। सभी चीजें अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूज करना ये अच्छी बात मैं नहीं मानती। तो जब जरूरत पड़े तो तभी यूज करें। अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो ये स्टॉप कर दीजिए लगाना। आपके अगर ऑयलनेस को दूर हटाने के लिए आप अगर इसको यूज करते हैं तो यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नहीं। इसका इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, ये जो है कैंडिड है, कैंडिड डस्ट पाउडर, फंगल इन्फेक्शन प्रिक्वेली हेड्स एक्सपर्ट स्किन सॉल्यूशन, इचिंग स्किन इरिटेशन, एंटीफंगल क्लिनिकली प्रूवेड। ये दोस्तों जो बोला है, आपके अगर स्किन में फंगल वगैरह होता है तो इसमें ये जो लिखा है आप ट्राई कर सकते हैं। और आपकी बहुत ज्यादा जलन महसूस होता है, इचिंग प्रॉब्लम होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। इरिटेशन यानी कि इचिंगनेस, जलननेस ऐसा होता है गर्मियों के टाइम में, ज्यादा से ज्यादा ऐसा होता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी लिखा है, फंगल इन्फेक्शन इरिटेशन रिसेटिंग आउट ऑफ शूट मॉइस्चर, सॉरी दोस्तों लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन रिजल्टिंग आउट ऑफ शूट मॉइस्चर एक्यूमुलेशन, प्रिपेयरली हेड ऑन बैक नेक शोल्डर, इचनिंग इन इंटीमेट बॉडी पार्ट्स अंडर आर्म्स इनर थिंग्स वेस्टिंग फीट, स्किन इरिटेशन लाइक रेडनेस रैशेस स्वीलिंग। तो दोस्तों आपने देखा है कि यहाँ पर जो भी लिखा है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, और यहाँ पर जो जो इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है यहाँ पर लिखा है, और भी यहाँ पर लिखा है कि एक्सपर्ट स्किन सॉल्यूशन क्लोटीमेजोल डस्टिंग पाउडर इज आइडियल फॉर प्रिवेंटेशन और ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन प्रिक्वेली हेट इचनिंग स्किन इरिटेशन। सॉरी दोस्तों लाइट की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपने देखा है दोस्तों, इसका प्राइस के बारे में भी बात किया। तो दोस्तों हाँ, एक दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन की थी, कमेंट की थी कि इसको बॉडी की जो प्राइवेट पार्ट होता है तो उसमें अगर आप लगा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों हाँ, जरूर आप लगा सकते हैं प्राइवेट पार्ट में भी। आपके अगर प्राइवेट पार्ट में समर के टाइम में बहुत ज्यादा इचिंग होता है, रैशेस वगैरह होता है, या फिर जलन महसूस होता है, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रहा है या फिर मैंने पढ़ के सुनाया, तो आपको लगता है कि इसमें कोई भी एक आपको प्रॉब्लम है, तो आप जरूर आपकी प्राइवेट बॉडी पार्ट में आप यूज कर सकते हैं, जरूर यूज कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, अच्छा फील होगा बल्कि, और अच्छा महसूस भी होगा। तो जरूर आप ट्राई नहीं की तो मैं जरूर बोलूंगी ट्राई करके देखने के लिए। अगर आपकी मन में कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे जरूर कॉमेंट कीजिए, आपकी कुछ भी जानना है तो मैं कमेंट्स की जरूर रिप्लाई दूंगी। और एक बात बोलना चाहूंगी दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नया है, सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अपडेट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, डेटॉल, ये जो कोविड-19 चल रहा है, डेटॉल हमेशा
आपके घर में होना चाहिए डिटॉल से, आपको कैसे नहाना है, कैसे इसको यूज करना है, सही तरीका क्या है, एक्ने से प्रॉब्लम से दूर कैसे करना है, इचिंग प्रॉब्लम से, और भी स्किन डिजीज वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्किन में, तो डेटॉल से आप दूर हटा सकते हैं दोस्तों। डेटॉल आपको कैसे यूज करना है, ट्राई कैसे करना है, बूढ़े हो या बच्चे, बॉयज हो या गर्ल्स, सभी यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, इसके ऊपर डिटेल्स में 3 वीडियो मैंने डाला है, तो जरूर उसको एक बार देख सकते हैं। डेटॉल के ऊपर एक हैंड सैनिटाइजर मैंने बनाया, जस्ट 1 मिनट लगेगा देखने के लिए, और बनाने के लिए तो उससे ही कम, तो वो वीडियो जरूर आप एक बार देख सकते हैं, करूंगी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही।